और दोवें का बड़ा इलाज करवाया अल्लाह का शुक्र और माशाल्लाह बेहतरीन ने दोवें गप शप च बह रहे इनी सर्दी इनी सर्दी इनी सर्दी अरे कहां बाहर गर्मी है यार ओ मैं यूके गया था ना यार फिर ओए उधर सर्दी शुरू हो गई तो मैंने पता नहीं लगा फिर चले गए तुम बड़े मियां साहब की कॉल आई सी ना अच्छा ते मैं चढ़या फिर तैयारे ते पहुंचे उधर जल्दी दे बेच अच्छा ओ ते शुक्र है अल्लाह जिंदगी करे शहबाज शरीफ साहब दी उन्होंने फिर मन दिता लॉन्ग कोट ओ ओदे बीच फिर इंग करके मैं बड़ गया यकीन करो त्रै दिन हो गए मैनू आया नु अच्छा एक दिन नहीं सुता पूछ के आऊं क्यों जलसे आ रहे ने ना अच्छा बड़े मियां साहब ने कहा भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जलसियां दा सीजन है ठीक है ते पुत्र सारे जेड़े इंतजाम आत ने हां किन्ने करने ने किन्ने करने ने मैं कह सर मैं तन्नू पूछ रहे तुसी मैनू पूछ रहे पुत्र किन्ने करने मैं कह सर डोंट यू वरी अबाउट मैं क्या तरतीब की होएगी सर हाँ। कहने पहले दो घंटे फनकार आएंगे अच्छा इस वास्ते उन्होंने कहा भी 138 फनकार जमा कर ओए फनकार जमा करने ते डड्डू तोलने एक बराबर ने अच्छा ओ सर काबो नहीं होंगे अच्छा डेटा नहीं इन्हां दी मैच होंगी है ओके। कोई कहना मैं उस शो में हूँ कोई कहना मैं उस शो में हूँ हाँ। कोई कहना मैंने लंदन जाना है रिकॉर्डिंग के लिए टोटल 3 दिन दे विच तीन बंदे काबू आए ने अच्छा जी सर ओके ते मैं सर तरतीब की होएगी हाँ। कहने पहले 2 घंटे फनकारों के हैं अच्छा ताकि पब्लिक को खुशबाश कर दे ओके उसके बाद कहने जी मेरे शेर आएंगे अच्छा ख्वाजा साद रफीक साहब आएंगे ख्वाजा आसफ साहब आएंगे कहने हमारे पास बड़े जोशीले जवान मौजूद हैं ख्वाजा इमरान नजीर साहब आएंगे ठीक है। उसके बाद हाँ। मैं खुद आऊंगा ओके मैं कह सर आप क्यों आएंगे हाँ। पहले शहबाज शरीफ साहब आएंगे ठीक है कहने शहबाज शरीफ साहब नु अल्लाह दा वास्ता ही ना बुलाई मेरे तो पहले क्यों कहने उन्होंने तकरीर कर दिया हिंग हिंग करके सारे माइक तोड़ दे कहने मैं फिर कहते तकरीर करनी है हाँ। मैं कह सर यू आर एब्सोल्युटली राइट ओके फिर उन्होंने नाले तोड़े ना ले ना करें उन्होंने कहा वासी चौधरी साहब से जाके मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर देना कि पूरे स्टेज का कंट्रोल उन्होंने संभाला अरे नहीं यार सर 700 रुपए रोज मिलेगा $700 पर डे अच्छा 3 घंटे का प्रोग्राम है उत्थे डॉलर की गल होंदी है ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਨਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪ ਉਹ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਵੇ ਅਗਰ ਇਨਸੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਅੱਲਾ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਓ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਗੀ ਯਾ ਹਾਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਨਕੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 2-3 ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਤਾਇਆ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਜਨਾਬ ਬਲਕਿ ਤ੍ਰਿਗੜ ਧਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੈਸੇ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਰੌਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ ਕਿਆ ਸਰ ਮਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੜੇਲਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ ਲਓ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਐਵਰੀਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਨੀ ਬਾਈ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ
मुजरम वर्दी पा के मेरे कमरे च नहीं बहिंदा। वेलकम बैक जी, आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम इकरा है। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको हमने ज़्यादातर ऐसे करेक्टर्स में देखा है जिसमें आप पॉजिटिव रोल कर रही हैं पर समझदार हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी लीड हीरोइन को खुद से समझदार होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, जिसमें हमारी लीड हीरोइंस अपने लिए खुद स्टैंड लें। बट ऐसे ड्रामास थोड़े कम बनते हैं जो इतने प्रोग्रेसिव हों, उनकी स्टोरीज इतनी अच्छी हों, क्योंकि ड्रामास जो हैं ना उनकी स्टोरीज रियल लाइफ से ही उठाई जाती हैं। तो अगर रियल लाइफ में भी आप देखें जो फैमिली कल्चर है पाकिस्तान में, वो इस तरह का है कि लोग अपने हक़ के लिए बहुत कम बोलते हैं, स्पेशली खवातीन का अपने लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उस तरह की स्टोरीज भी कम होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक और भी बनेंगे तो उसमें और स्ट्रॉन्ग हीरोइंस होंगी, आई होप। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया नादिर है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि कोई ऐसी जुगत हुई है आपके जिस पर आप घर जाकर कई दिनों तक हंसते रहे हो? हाँ, मैं अक्सर अब्बू की जो बातें थी उनको सुन के आज भी बहुत इंजॉय कर। एन जी असी ना अपना हनी नाम तो मैंने याद आ गया, चांद रात असी बैठे घर फैमिली बच्चे अम्मी सिस्टर्स वगैरह सारे, वो बार बार ना अब्बू कही जान क्योंकि बड़ा घट टाइम सू मिलता से अब्बू शूटिंग से चले गए ड्रामे थे ये वो, तो वो जो मौजूद होंगे सन तो असं फिर उन्होंने बिल्कुल जोड़ा ना उन्होंने कोलो हटते नहीं कोल बैठे गप्पा लग रही ने ये वो, तो सारे कह रहे अब्बू जी चांद रात से सन चूड़ियाँ चढ़ाओ सन चूड़ियाँ चढ़ाओ, तो मैं कह जी लाओ इन्होंने तो तुम चूड़ियाँ चढ़ाओगे, तो कहते हाँ बेटा तू है नहीं है तेन असी कीड़ियाँ चढ़ा। बेटे इस तरह की काफ़ी लातदाद जुगते हैं तो याद आती हैं। वैसे तो माशाल्लाह हमारे पास कॉमेडी के हवाले से जितना एक ज़खीरा पाकिस्तान में ख़ासकर पंजाब की मिट्टी में इतना मौजूद है कि हर शख्स आपको मुस्कुराता हुआ महसूस होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है। तो सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी काम किया है और आप अभी इमरान अशरफ साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक इन दोनों में से सबसे बेस्ट होस्ट कौन है? देखिए बेस्ट होस्ट वक्त है, वो उस्ताद है इमरान, क्योंकि माशाल्लाह यंग है, छोटा भाई भी है, बहुत रिस्पेक्ट करता है और वेरी एनर्जेटिक है, और उनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि आफ्ताब साहब का जॉनरा और है, इमरान जिस जॉनरा में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो गेस्ट बेस है, इमरान आर्टिस्ट भी है, अब माशाल्लाह वो होस्ट भी है, ठीक है जी, बहुत फर्क है। जी कोई क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशेल खान है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपका ड्रामा और फिल्म में सबसे फेवरेट जॉनर क्या है? मैं छत के जावा मेरा छो ना काटा। ड्रामे और फिल्म में आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा? जो जॉनरा मैं देखना पसंद करती हूँ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स? हाँ, मुझे पसंद है देखना। ओके, और करने में आपको क्या पसंद है? यहाँ पर इतने उस तरह के जॉनरास पे अभी काम स्टार्ट हो रहा है बट इतना हो नहीं रहा, इतनी वैरायटी है। आप चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आप काम करें? हाँ, आई वुड लव टू, अगर कोई ऑफर हो तो। आजकल कोई देख रही है साइकोलॉजिकल थ्रिलर? आप? मैं देखती रहती हूँ जब जब टाइम मिलता है। माशाल्लाह देखो ना कितने खूबसूरत रहे हो जी, जिहड़ी ना लड़कियां ड्रोनिंग फिल्म अचानक तो ऑन मोड़ लेंदी।